उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ललन सिंह को अपनी राजनीति का डर सता रहा है, इसलिए ललन सिंह घबराहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने विधानमंडल के बैठक में कहा था कि तेजस्वी यादव हमारी विरासत संभालेंगे। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में जदयू में कौन बड़ा नेता है ये तय कर ले। नहीं होगा पावर का। अब बिहार की जनता को इतना लोग मूर्ख न समझे। बिहार की जनता थोड़ी अशिक्षित हो सकती है, लेकिन इतना मूर्ख नहीं है जितना ये लोग समझते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक बार नहीं, अनेक बार घर में, कमरा के अंदर नहीं, पब्लिक डोमेन में, महागठबंधन विधान मंडल दल की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से कहा कि अगला अब तेजस्वी। तो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, और ललन सिंह जी, जब से हमने इस इशू को उठाना शुरू किया है, जब से हमारा विरोध हुआ है, तब उनके ऊपर दबाव हुआ और घबराहट हो गई कि अब जनता खैर ठिकाना हमारा लगा देगी। तो उसके बाद से उनका बयान ललन जी का अलग आ रहा है। अरे भैया, जनता मूर्ख नहीं है। नीतीश कुमार जी जो चाहेंगे वह होगा जेडीयू में, या ललन सिंह जी के कहने से होगा। और तय कर लें दोनों लोग कि नीतीश कुमार बड़ा नेता कि ललन सिंह जी बड़ा नेता, और इसको भी थोड़ी देर तक मान भी लिया जाए। तो हम तो यह कहते भी रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने अब ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां उनका कुछ नहीं चलता है। लेकिन इस विषय में सच यही है कि डील पक्की है, डील हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा के कदम से घबराकर घबराहट में ललन सिंह जी को ऐसा। बिहार की राजनीति में फिर से एक नए जुगलबंदी की आहट मिलने लगी है। जदयू से मोहभंग होने के बाद सोमवार को ही उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई थी, और मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उनके पटना स्थित आवास पे उनसे मिलने पहुंचे। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई। इसे लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं गर्म है, लेकिन दोनों ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। अरे शिष्टाचार मुलाकात है भाई। अब हमने नई पार्टी बनाई है, नई पार्टी की शुरुआत हमने की है, तो सब लोगों की ओर से धन्यवाद मिल रहा है। तो हम लोग एक साथ काम करने वाले लोग हैं, मेरे मित्र हैं संजय जी, तो उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं, तो इसी क्रम में आए और मुझको उन्होंने धन्यवाद दिया, और हमारे यहाँ आए घर पर आकर धन्यवाद दिया, तो हमने भी उनके प्रति आभार प्रकट की है। तो बस इसी रूप में मुलाकात थी। बाकी और कोई बात करनी हो तो जाइए उनसे बात कर लीजिए ना। शिष्टाचार का मुलाकात करने आया हूँ, पटना आया हूँ, और जिस प्रकार परिस्थितियाँ बनी मैं उनका आभार और साधुवाद देने आया हूँ, क्योंकि पार्टी छोड़ना तो बहुत आसान है, पर वह राज्यपाल के द्वारा नामित विधान परिषद के सदस्य थे। लेकिन सर, पूरी बात तो सुन लिया, उसका भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। कम से कम नीतीश कुमार जी को यह समझ, यह उनको भी करना चाहिए कि अगर वह दल बदल करके सत्ता प्राप्त करते हैं तो उनको भी जनता के पास जा करके और फिर से जनता से मैंडेट। बीजेपी कुशवाहा जी को साथ में रखेगी? कोई पार्टी इस तरह की कोई बात नहीं है, मैं एक शिष्टाचार मुलाकात करने आया हूँ। सर, जेडीयू का यह आरोप मिलता है सर कि जेडीयू का सर ये आरोप आपको नहीं लगता है कि जो बार बार लगाते थे कि बीजेपी के संपर्क में उपेंद्र कुशवाहा भी साबित हो रहा है? आज तो मैं पहली बार उनसे मिलने आया हूं और उनको धन्यवाद ही देने आया हूं। लेकिन आप लोग दोनों धन्यवाद किस बात का कि आपने नीतीश कुमार को छोड़ दिया? धन्यवाद किस बात का कि नीतीश कुमार को छोड़ दिया? मुझे लगता है कि जिन्होंने भी 1990 से 2005 तक लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनको निश्चित तौर पर जरूर सोचना चाहिए कि हम क्यों लालू जी के बेटे की गुलामी